वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस का टॉपिक को स्टार्ट किया है अपने पास। तो आज उसी के बाद हम एक नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं बैंक स्टेटमेंट में। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्रेडिट अंडरराइटिंग में अगर किसी क्लाइंट को असेस करना है तो उसका सबसे कोर चीज क्या है, कि कैसे किसी क्लाइंट को पकड़ सकते हैं, असेस कर सकते हैं, क्या ब्लड है क्रेडिट अंडरराइटिंग का या क्या रीढ़ की हड्डी है क्रेडिट एंड राइटिंग की, तो वो एनालिसिस ऑफ बैंक स्टेटमेंट ही है। इसी से किसी क्लाइंट की ट्रू पिक्चर हमें पता लग सकती है। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रेडिट समिशंस या चर्निंग, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट समिशंस या चर्निंग, बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, किन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना है कि ये चीज बैंक स्टेटमेंट के एनालिसिस करते समय कहीं हम क्रेडिट समिशन में ऐड ना कर जाएं, ठीक है। तो ये चीज आप आज सीखेंगे पूरे लॉजिकल वे में, पूरे ध्यान से। एक बार आपको लॉजिक क्लियर हो गया, देन जो मैं आपको की फैक्टर्स बताऊंगा कि ये फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, वो तो जस्ट एक काइंड ऑफ आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज तो हमें कभी भी क्रेडिट सबमिशंस के अंदर नहीं लेनी चाहिए। तो सब शुरू करते हैं। तो जो क्रेडिट सबमिशंस एंड चर्निंग इन बैंक स्टेटमेंट है, तो तीन पार्ट्स में आज इस टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग कि व्हाट इज द क्रेडिट सबमिशंस, होती क्या है क्रेडिट सबमिशंस, चर्निंग या इनको बोलते हैं रूटिंग ऑफ टर्नओवर भी बोल देते हैं, रूटिंग ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मींस सेल्स, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट क्रेडिट सबमिशंस, चर्निंग कैसे कैलकुलेट होनी है और कितने परसेंट हमारी क्रेडिट सबमिशंस हमें मिलनी चाहिए, मिनिमम परसेंटेज बैंक लेवल पे कितनी एक्सेप्टेबल है, बैंक कितनी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आज हमने जानना है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज क्रेडिट सबमिशंस एंड चर्निंग इन बैंक स्टेटमेंट। देखिए, क्रेडिट सबमिशंस एंड चर्निंग का मतलब है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट मींस जो आपका बिजनेस है, जो बिजनेस का अकाउंट है, आपका इंडिविजुअल अकाउंट नहीं, जो बिजनेस का अकाउंट है उसके अंदर कितना पैसा जमा हुआ, कितना पैसा जमा हुआ, ठीक है, ये उसका सबमिशन, उसका टोटल कितना है, वो है क्रेडिट सबमिशन चर्निंग, ठीक है। अब जो बिजनेस में पैसा आता है वो कहां से आता है, देखिए एक बिजनेस यूनिट है, कोई भी बिजनेस यूनिट है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट किसी भी काम में हो, वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी वो आइटम में डील कर रहा है, चाहे वो सर्विसेज हैं, वो वेरियस पर्सन्स को ऑफर करता है, अलग अलग तरह के पर्सन्स को, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को ऑफर करता है, जैसे ए लिमिटेड को दे दिया, बी लिमिटेड को दे दिया, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, राइट। मान लीजिए इसने ए लिमिटेड को 1 करोड़ रुपया दिया, 1 करोड़ का माल बेचा, इसको 50 लाख रुपए का माल बेचा, इसको मान लीजिए 2 करोड़ रुपए का माल बेचा, इसको मान लीजिए 1 करोड़ का माल बेचा और इसको भी 50 लाख का माल बेचा। तो टोटल जो ये बिजनेस यूनिट था, इस बिजनेस यूनिट ने टोटल जो सेल्स किया, वो सेल्स किया 1, 2, 3, 4 और 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए का सेल्स किया, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर ये 5 करोड़ का सेल्स कितने टाइम में किया, भाई आपको सेल्स उतने टाइम का देखना है जितने टाइम का आप बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपका बैंक या आपकी एनबीएफसी, जो भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करो, तो आप 6 महीने की सेल पकड़ेंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करो, तो आप 12 मंथ्स की सेल्स का एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो अब जो भी ये सेल्स होगी आपके बैंक स्टेटमेंट के पीरियड के अकॉर्डिंग होगी, करेक्ट, आप समझ गए। तो मान लीजिए हम 12 महीने की स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमने 12 महीने की सेल उठाई तो हमें पता लगा कि उसने टोटल 5 करोड़ की सेल्स की है, टोटल 5 करोड़ की सेल्स की है। तो पहली बात आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप प्रपोजल एजेस्ट करेंगे तो ये चांसेस बहुत ही कम है कि आपको पार्टी वाइज सेल पता हो कि पिछले 12 महीने में उसने पार्टी वाइज सेल कितनी कितनी करी है। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको लिख दिया कि ए लिमिटेड को, बी को, सी को, डी को, री को इतना इतना बेचा। आपके पास तो जस्ट जीएसटीआर, आपके पास
जीएसटी 3B रिटर्न जो फाइल जो होगी उसकी मंथली क्वार्टरली जो भी होगा वो आपके पास सबमिट होगी, उसके अंदर जो सेल्स लिखी होगी वो टोटल लिखी होगी उस मंथ की, ठीक है। पार्टी वाइज कितनी हुई है वो नहीं बताया होगा कि किस पार्टी को कितना बेचा, तो सिर्फ मंथ की सेल्स पता होगी आपको। तो आपके पास तो खाली ये फिगर होगी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये फिगर होगी कि 5 करोड़ की उसकी सेल है, ठीक है। तो जब बैंक स्टेटमेंट उसकी खोलेंगे, तो अब अगर इसने ए लिमिटेड को माल बेचा है, ए लिमिटेड को माल बेचा है, तो ए लिमिटेड इसको पेमेंट भी तो करेगा, बी लिमिटेड भी तो इसको पेमेंट करेगा, सी भी, डी भी और ई भी, सभी लोग इसको पेमेंट करेंगे। और जो आज का सिनेरियो है, तो आज के सिनेरियो में कैश जमा तो होता नहीं है अनलेस एंड अंटिल आपका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करियाना बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपके पास वॉकिंग कस्टमर आ रहा है, ऑब्वियसली वो आपको कैश पेमेंट करके जाएगा। ज्वेलरी बिजनेस में कैश डिपॉजिट होता है, आप रिटेल काउंटर है आपका, कोई कोई भी चीज का लगा लीजिए, गारमेंट्स का रिटेल काउंटर है, तो आपके पास कैश डिपॉजिट आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कार के डीलर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मारुति सुजुकी कार के डीलर है, तो जो कार लेने लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई डाउन पेमेंट करनी है आपको 1 लाख रुपए की, 50,000 रुपए की, तो वो डाउन पेमेंट आपको कैश में करके जाते हैं, ठीक है। टू व्हीलर की एजेंसी है, तो काफी बार तो टू व्हीलर लोग कैश पे ही ले जाते हैं, तो उस सिनेरियो में तो आपके पास कैश आता है। तो आप बैंक स्टेटमेंट में इन क्लाइंट से आया हुआ कैश अपने खाते में जमा कराते हैं। पर अब क्या सीन है कि अगर आपका ये बिजनेस मॉडल नहीं है, तो अदर देन दैट बिजनेस मॉडल है, तो सभी लोग जो आपको जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब बैंक के थ्रू क्यों करते हैं, एक तो टाइम सेविंग चीज है कि टाइम सेव होता है इस चीज से, ठीक है। दूसरा, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपना अपना तरीका है कि जब उनके पास पैसे होते हैं उस तरीके के चेक वो इशू करते हैं, तब वो पेमेंट करते हैं। तीसरा, उनके पास एक रिकॉर्ड रह जाता है ट्रांजेक्शन का। कल को एक ए लिमिटेड ने आपको कैश में 1 करोड़ रुपए पकड़ा दिया, कल को आप लेके मुकर जाओ कि भाई मेरे को तो मिला नहीं कैश, ठीक है। तो बैंक से पेमेंट किया होगा, तो ए लिमिटेड के पास कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड भी रहता है, ठीक है। तो आजकल जो सारी पेमेंट्स आती हैं वो बैंक के थ्रू ही आती हैं। आपको अंडरराइटिंग करते समय इस चीज को पकड़ के ही चलना है कि बैंक में पेमेंट आएगी ही आएगी, अनलेस एंड अंटिल बहुत यूनिक सर्कमस्टांसिस में उसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा हो, ठीक है। तो अब अगर 5 करोड़ का माल बेचा 12 महीने में, और आप 12 महीने की ही बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये 5 करोड़ रुपया आपके खाते में जमा होना चाहिए। आपके खाते में 5 करोड़ रुपया जमा होना चाहिए ना, आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट है, बैंक आपकी आपकी मान लीजिए ये बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट में ये साइड्स होती हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये इसको बोल देते हैं विड्रॉल वाली साइड, जहां पे आपके विड्रॉल शो होते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट, जहां पे आपकी जमा राशि शो होती है, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपए आपके क्रेडिट साइड पे पिछले 12 महीने में, जैसे जो भी आप पीरियड उठा लीजिए 1 जून 2021 से 31 मई 2022 तक का जो 12 महीने का पीरियड है, तो 5 करोड़ रुपया आपका यहां से दिखना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि उसकी क्रेडिट सबमिशंस जो हैं वो इन लाइन विद सेल्स हैं। आप क्या बोलेंगे, अगर 5 करोड़ रुपए आपको यहां पे दिख गया, तो आप बोलेंगे कि क्रेडिट सबमिशंस यानी कि जो जमा राशि है बैंक अकाउंट के अंदर वो इन लाइन विद सेल्स ऑफ द क्लाइंट है। इसका क्या मतलब है कि क्लाइंट के जो डेटर्स हैं, क्लाइंट की जो ये पार्टीज हैं, वो उसको टाइमली रीपेमेंट कर रही हैं, टाइमली रीपेमेंट कर रही हैं, ठीक है। क्लाइंट का पैसा स्टकअप नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास बैंक खाते में 2 करोड़ की पेमेंट आई होती पूरे 12 महीने में, सेल्स किया है 5 करोड़ का, अब दो दो चीजें हो सकती हैं, या तो सेल्स बोगस है, या तो सेल्स आपको दिखा रखी है फालतू में कि भाई 5 करोड़ की सेल है। अभी इन्हीं चीजों से तो फ्रॉड पकड़े जाते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो 5 करोड़ की अगर ट्रांजेक्शन नहीं दिख रही हैं, 2 करोड़ की ट्रांजेक्शन आई हैं, दो मतलब हो सकते हैं इस चीज के, या तो आपको सेल्स बोगस दी गई है क्लाइंट की तरफ से, ठीक है, कि वो कहानी सुना रहा है ये वो कि हाँ भाई मेरा पेमेंट हो गई, ये हो गया वो हो गया, कि मैंने बार की बार सेटल कर लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। दूसरा हो सकता है कि इसके जो पार्टीज हैं उन पार्टीज ने डिफॉल्ट कर दिया इसको पेमेंट देने से, या तो इसकी मटेरियल की क्वालिटी खराब थी, या वो पार्टीज का ही दिवाला निकल गया, या पार्टीज ही डिफॉल्टर थी, कुछ भी लगा लीजिए कि उन पार्टीज ने उसको पेमेंट देने से मना कर दिया। अगर वो सिनेरियो भी है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रपोजल बहुत ज्यादा रिस्की और रिजेक्टेबल प्रपोजल बन जाता है लोन देने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका क्लाइंट बोगस सेल दे रहा है, फिर तो वैसे ही फ्रॉड का केस बनता है, ठीक है। तो
अगर दूसरा उसके पार्टीज उसको पेमेंट नहीं दे रही, तो फिर तो वो अपना बिजनेस रन नहीं कैसे कर पाएगा। अगर कोई बंदा अपना अगर किसी बंदे का 5 करोड़ में से 2 करोड़ का पेमेंट आया है और 3 करोड़ का पेमेंट अटका हुआ है, उसका केस चल रहा है पार्टीज के अगेंस्ट और उसकी रिकवरी का आता पता नहीं है, तो हम इस चीज को ये मानेंगे कि ये पैसा कभी भी रिकवर नहीं होगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आप उस बंदे को लोन नहीं दे पाएंगे जिसका इतना ज्यादा पैसा स्टकअप हो पार्टीज के साथ। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस करते समय। अब दूसरा सवाल सामने आता है कि अब जब आप ये जमा राशि देख रहे होंगे, अगर आप जब बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे तो जब ये जमा राशियों को कैलकुलेट करेंगे, डिपॉजिट्स को कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट सबमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जब बैंक स्टेटमेंट खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, बहुत सारी क्रेडिट एंट्रीज होती हैं। अगर आप अच्छा खासा कोई 8-10 करोड़ का, 15 करोड़ का प्रपोजल उठा के देख रहे हैं लोन प्रपोजल, तो उसके अंदर पाएंगे कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिपॉजिट एंट्रीज आ रही हैं। तो क्या हर एक डिपॉजिट एंट्री कुछ भी जमा हो जाए वही आप क्रेडिट सबमिशन में काउंट कर लेंगे, या जो पार्टीज से पेमेंट आई हो, जो कस्टमर्स से पेमेंट आई हो, वो क्रेडिट सबमिशन का पार्ट बनेगा? आप खुद समझदार हैं, हमारा मोटिव क्या है कैलकुलेट करने का? हमारा मोटिव ये है, अपन लॉजिक को पकड़ के चलिए कि जो मैंने माल बेचा उसकी पेमेंट आई है या नहीं आई है। इसके अलावा फालतू का कुछ भी पैसा इधर उधर घूमता रहे, जमा होता रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको काउंट ही नहीं करूंगा क्रेडिट सबमिशन में अपनी चर्निंग में। ठीक है, अपनी टोटल टर्नओवर का देखेंगे कि अगर पार्टीज को जिनको मैं सेल कर रहा हूं उन पार्टीज से पेमेंट आई है या नहीं आई है। करेक्ट, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जो आलतू फालतू की सारी पेमेंट्स हैं उनको इग्नोर मारना पड़ेगा। अब उनकी आलतू फालतू की पेमेंट्स कौन सी होती हैं, अब जस्ट मैं कोई एग्जांपल आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया एग्जांपल्स हैं। एनी रिवर्सल एंट्रीज, अब बैंक स्टेटमेंट्स में आप पाएंगे, जब आप बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कई बार कुछ रिवर्सल एंट्रीज होती है कि गलत डेबिट होकर गलत क्रेडिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है, मान लीजिए ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है, देखिए मैं जो भी आपको सर्कमस्टांसेस बताऊंगा ना वो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊंगा जो मैंने गलतियां लोगों को करते हुए देखा हुआ है। डेबिट क्रेडिट, यानी क्रेडिट मीन्स यहाँ पे जो आपके जमा होंगे, यहाँ पे डेबिट, ये आपका बैलेंस वाला कॉलम होता है, ये आपका नरेशन वाला कॉलम होता है जहां पे नरेशन आ रही होती है, यहाँ पे डेट आ रही होती है, वैल्यू डेट या ट्रांजेक्शन डेट जो भी लगा लीजिए। तो ये एक बैंक स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। रिवर्सल एंट्री का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 जून 2022 है, तो पेमेंट टू कोई भी पार्टी आ रही है, पेमेंट टू पार्टी या कुछ भी लगा लीजिए, किसी को भी आ रही है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये, तो सेम डे ही एक कई बार तो लिखा होता है रिवर्सल, कई बार तो रिवर्सल कैंसलेशन, कई बार लिखा ही नहीं होता, सेम नरेशन को रिपीट किया होता है, सेम नरेशन को रिपीट किया होता है और 100 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट ऐसे दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो सेम नरेशन को कई बार तो रिवर्सल लिखा होगा तो आपको वैसे ही पकड़ में आ जाएगा कि रिवर्सल एंट्री है। तो क्या बताइए, क्या ये 100 रुपये आपकी क्रेडिट सबमिशन का पार्ट है? क्या ये जिन लोगों को आपने माल बेचा उनसे पेमेंट एंट्री है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्रेडिट सबमिशन में इसको लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे। तो इस पॉइंट को पकड़ के चलना, ध्यान में रखना एनालिसिस करते समय। प्रमोटर्स इंडिविजुअल नेम्स एंट्रीज, अब ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर्स के नाम पे विड्रॉल कई बार आते हैं, या विड्रॉल वाला नहीं समझाया था मैंने आपको, समझाया था कि पर्सनल ऑब्लिगेशंस हाउसिंग लोन्स पे करते हैं तो प्रमोटर्स की विड्रॉल होती है। तो कई बार प्रमोटर्स खुद या उनके अपने रिश्तेदारों के थ्रू कैपिटल इन्फ्यूजन करते हैं। तो मान लीजिए कोई 1 जुलाई 2021 को एंट्री आई हुई है बाय पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम, पेमेंट क्रेडिट फ्रॉम रमन 10 लाख रुपए। ठीक है, अब दो तीन सर्कमस्टांसेस आपको बताता हूं इस चीज में क्या क्या ध्यान रखना है आपको। देखिए सबसे पहले तो जब आप बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करने बैठे हैं तो सबसे पहले तो आपको क्लाइंट का बिजनेस पता होना चाहिए कि क्लाइंट बिजनेस क्या कर रहा है। अब एक बंदा करियाना स्टोर का काम कर रहा है, ठीक है, अब करियाना स्टोर में 3600 तरह के बंदे आते हैं। ठीक है, कोई अपना
तो यूपीआई पेमेंट कर जाएगा, क्रेडिट कार्ड से सेटलमेंट कर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल डेबिट कार्ड से पेमेंट कर जाएगा, या कोई बंदा शायद आप बोले कि यार पास में ब्रांच है कैश जमा करा दे, ठीक है तू माल उठा के ले जा, सामान मेरे पास रखा हुआ है तू कैश जमा कराया मेरे पास पेमेंट का वो आ जाएगा तो तू उठा के ले जाना, मेरे पास कैश रखने की जगह नहीं है कैश नहीं रख सकता, ठीक है। या आपने फॉर एग्जाम्पल अपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि भाई ये देख आज दिन में इतना कैश इकट्ठा हो गया है, तेरी ड्यूटी है तेरे को रोज शाम को 4 बजे बैंक जाना है और ये सारा कैश जमा करा के आना। छोटी छोटी मंडियों छोटे छोटे शहरों में ये रिवाज अभी भी चलते हैं जो पहले जमाने में हम सुनते थे, मेरे शहर में तो चलते ही हैं। तो ये अगर सिनेरियो है तो अगर ये पेमेंट एंट्री जैसे इंडिविजुअल नाम पे आई हुई है तो आपको माइट बी वो क्रेडिट सबमिशन में काउंट करना पड़ जाए उन एंट्रीज को, ठीक है। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपका आरएनडी का तरीका, आपका एनालिसिस का तरीका क्या रहेगा कि मान लीजिए एक जैन फैमिली का आप केस कर रहे हैं, या कोई जुनेजा फैमिली है, या कोई सिंह फैमिली है, किसी का भी केस, आप कोई पर्टिकुलर उनका वो सरनेम से लगा लीजिए, मान लीजिए गर्ग फैमिली है उनका आप केस कर रहे हैं, तो आपको जो पेमेंट्स यहाँ पे बैंक क्रेडिट में दिख रही हैं वो कोई गर्ग गर्ग से आ रही हैं कि फॉर एग्जाम्पल रमन गर्ग, विकास गर्ग, तो आपका जो प्रमोटर है मान लीजिए विशाल गर्ग है, आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि विकास गर्ग कौन है, रमन गर्ग कौन है, आपको तो अपने प्रमोटर का नाम पता है कि विशाल गर्ग है, उसकी वाइफ है पल्लवी गर्ग, ठीक है, बाकी किसी बंदे का आइडिया नहीं है। बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आएगा ना कि भाई ये भी गर्ग फैमिली है और ये विकास गर्ग और ये रमन गर्ग नाम से जो पेमेंट्स आ रही हैं तो ये भी इनके साथ इनकी कम्युनिटी और इनके साथ ही मिलते जुलते लग रहे हैं कि मे बी माइट भी हो सकता है कि इनके रिश्तेदार ही ना हो। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में आप उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए अपने नोट में क्लाइंट से डिस्कस करने के लिए, और उनकी जो क्रेडिट एंट्रीज आ रही हैं, उनकी जो क्रेडिट एंट्रीज आ रही हैं वो कभी भी क्रेडिट सबमिशंस में मत लीजिए, क्योंकि उनको सेल्स की हो और उसके बदले में उन्होंने पेमेंट ली हो, ये तो होने के चांसेस मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत ही रेयर देखे हैं, मतलब ना के बराबर ही देखे हैं, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। पर अगर क्लाइंट आपको ऐसा बोलता है कि मैंने रिश्तेदार को माल बेचा था तो भाई थोड़ा सा आप कोशिश हो जाइए कि भाई ऐसा क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, हो सकता है। हाँ कई बार ऐसा होता है कि किराना का काम है, फॉर एग्जाम्पल किराना स्टोर है, मैं भी अपने चाचा जी की शॉप से किराना स्टोर, हमारा किराना का सारा जो सामान है वो हमारा चाचा जी की शॉप से ही आता है, तो हो सकता है कि उस सिनेरियो में तो कोई सर्कमस्टांस हो जाए, बट ऐसी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट फिलहाल ये पॉइंट आप छोड़ दीजिए कि उसने वाकई उसको सेल्स किया होगा, आप इस पॉइंट को पकड़िए कि इंडिविजुअल नाम पे पेमेंट आ रही है, तो पहले आप ध्यान रखिए कि कोई कास्ट सेम मिलती जुलती तो नहीं है, फैमिली के साथ रिलेटेड तो नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो उसको क्रेडिट सबमिशन में मत लीजिए। फिर अगर मान लीजिए कास्ट वगैरह भी कोई सेम नहीं है, वैसे ही कोई इंडिविजुअल नाम से एंट्रीज आ रही हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स के नाम पे एंट्रीज आ रही हैं, तो अनलेस एंड अनटिल, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस मॉडल उस चीज का नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगेन एक सेकंड वही एग्जाम्पल जो मैं पहले भी दी थी आपको कि अगर आपका टू व्हीलर्स की डीलरशिप है तो अलग अलग लोग टू व्हीलर्स लेने आते हैं, होंडा की डीलरशिप है, एक्टिवा लेने 36 आपके साथ 10 लोगों का वॉक इन है डेली का, 10 10 एक्टिवा डेली सेल होती है आपकी, तो अलग अलग नाम से एंट्रीज आएंगी ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो फिर उस सिनेरियो में तो आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो उस तरह का सीन नहीं है तो इंडिविजुअल नाम के कोई भी क्रेडिट, इंडिविजुअल नाम का कोई भी क्रेडिट या प्रमोटर्स के साथ या उनके साथ मिलता जुलता या किसी और इंडिविजुअल का आपको क्रेडिटेड सबमिशंस में नहीं लेना है, आपको प्राइमरली ये मान के चलना है कि भाई ये पेमेंट उसकी पार्टी से नहीं है, क्योंकि पार्टी तो उसकी कोई फर्म होगी ना, इंडिविजुअल तो नहीं होगा। पर इसमें एक कैच है, कई बार क्या होता है वो आपको क्लाइंट आपकी विजिट पे जस्टिफाई करेगा जब आप पॉइंट लिख के लेके जाएंगे, कई बार क्या होता है कि जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स होती है ना, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स, अब जैसे उनमें मिस्टर ए प्रोप्राइटर है, अगर मिस्टर ए ने आपको पेमेंट भेजी है, उसकी फर्म ने पेमेंट भेजी है, तो कई बार ना जब यहाँ पे बैंक एंट्री डालता है तो मिस्टर ए के नाम पे डाल देता है, प्रोप्राइटर का नाम लिख देता है उसकी फर्म की जगह, ठीक है। तो इस सिनेरियो में अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है ना तो क्लाइंट से बात कीजिए, पहले तो आप क्रेडिट सबमिशंस में लेना ही मत कंजर्वेटिवली, ठीक है, नेगेटिव हो जाइए, क्रेडिट सबमिशंस में मत लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये कुछ अच्छी खासी अमाउंट्स की एंट्रीज ऐसे मिस्टर ए से आ रही थी तो हमने उसको क्रेडिट सबमिशंस पे नहीं लिया, तो क्लाइंट से मिलने चाहिए या क्लाइंट से फोन पे बात कीजिए, उससे समझिए कि सर ये पेमेंट किससे आ रही है, तो बोलेगा अच्छा मिस्टर ए तो ए एंड कंपनी का प्रोपराइटर है ये तो उससे पेमेंट आ रही है, तो आप बोलिए कि सर ये पेमेंट्स बहुत अच्छी खास, देखिए कम पेमेंट्स आ रही हो, नेग्लिजिबल अमाउंट हो, फिर छोड़ दीजिए, छोटी छोटी क्वेरी मत पूछिए, अगर सिग्निफिकेंट नेचर हो जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल क्रेडिट सबमिशंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा हो
आपका कम पड़ रहा हो क्रेडिट समिशन जिन ट्रांजेक्शन की वजह से, फिर पूछिए, फिर उसको बोलिए कि सर आप ना उसका लेजर अकाउंट दे दीजिए मुझे, लेजर अकाउंट दे दीजिए लास्ट 12 मंथ्स का, ठीक है, उससे 12 महीने का लेजर अकाउंट ले लीजिए, और 12 महीने के लेजर अकाउंट से आप टैली कर लीजिए कि लेजर अकाउंट में ये पेमेंट एंट्रीज, ए एंड कंपनी का लेजर अकाउंट ले लीजिए और उससे टैली कर लीजिए कि पेमेंट एंट्रीज डाली हुई है और सामने सेल्स के बिल की एंट्रीज चढ़ी हुई है, अगर ये टैली हो रहा है तो इसको आप अपनी क्रेडिट फाइल का पार्ट बना लीजिए और अपने नोट में इसका जस्टिफिकेशन मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो इस चीज के बारे में विजिलेंट होकर चलिए, क्रेडिट सबमिशन कैलकुलेट करते समय बहुत लोग इस चीज में गलतियां कर जाते हैं। उसके बाद कैश डिपॉजिट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपका बिजनेस मॉडल कैश लेने वाला नहीं है, अगर आपका नॉर्मल बिजनेस मॉडल है, तो कृपया करके कैश डिपॉजिट्स की एंट्रीज को क्रेडिट सबमिशन का पार्ट मत मानिए। अब मान लीजिए मेरा बहुत बड़ा ब्लैंकेट्स बनाने का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैंकेट्स करता हूं मैं, तो ब्लैंकेट्स की सप्लाई मैं ऑल पैन इंडिया लेवल पे अलग अलग जगह पे करता हूं, ठीक है। तो भाई मैं, मेरे पास अगर 2-3 करोड़ रुपए कैश जमा हो रहा है, अब यार वो कैश डिपॉजिट हो रहा है तो मैं कंजर्वेटिवली एज अ बैंकर उसको ये नहीं मानूंगा कि उसके कस्टमर्स उसको कैश देके जा रहे होंगे, ठीक है। अनलेस आपका बिजनेस वो था तो तब मानिए आप, ठीक है। ज्यादातर कैश डिपॉजिट उन केस में होता है जब आपका रिटेल काउंटर हो, मान लीजिए आप ज्वेलर हैं, किराना स्टोर है, 2-व्हीलर 3-व्हीलर डीलर्स हैं, लोकल रिटेल गारमेंट्स की शॉप है, इन सिनेरियोज में कैश डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, या आप बहुत ही ज्यादा विलेज वाले एरियाज में सप्लाई कर रहे हैं उन सिनेरियो में, बट नॉर्मल बिजनेस मॉडल्स में ये चीज देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। लोन डिसबर्समेंट्स, अब देखिए लोन डिसबर्समेंट्स, अब मान लीजिए आपने किसी बैंक से प्रॉपर्टी लोन लिया, तो बाय डिसबर्समेंट क्रेडिट, डिसबर्समेंट क्रेडिट ऐसे करके लोन डिसबर्स्ड, ठीक है, ऐसे करके ना मोटी अमाउंट्स की एंट्रीज आ रही होंगी, जैसे 10 लाख का लोन लिया आपने या 7 लाख का लिया तो आ रही होंगी। पहली चीज इसमें क्या करिए, अगर आपको किसी एंट्री पे डाउट पड़ रहा है, देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये आपकी क्रेडिट सबमिशंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये आपकी कस्टमर से पेमेंट तो है नहीं, वो तो मेरे को अब समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लॉजिक तो क्लियर हो चुका है। बट अब इस चीज को अगर ये लोन है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये लोन क्यों लिया क्लाइंट ने, कौन सा लोन लिया, किस पर्पज के लिए लिया, अगर कोई प्रॉपर्टी वाला लोन है तो कौन सी प्रॉपर्टी दी हुई है इसमें, तो ये क्वेश्चंस आप अपने नोट कर लीजिए और कस्टमर से जाइए, समझिए और पूछिए कि अगर आप ये लोन ले रहे हैं तो हमसे भी लोन लेने मांगने आ रहे हैं, अभी आपने रिसेंटली लोन लिया है तो। दूसरा, उसका क्लाइंट का सिबिल जरूर चेक कीजिए, उसका इंडिविजुअल सिबिल भी, प्रमोटर्स का सिबिल भी और उसका फर्म का सिबिल भी जरूर चेक कीजिए, और देखिए कि अगर ये मान लीजिए लोन की एंट्री फॉर एग्जाम्पल रेंडमली 3 सितंबर 2021 को क्रेडिट हुआ है, तो चेक कीजिए कि सिबिल में कोई अगस्त सितंबर के नजदीक इसी अमाउंट का कोई लोन सेंक्शन तो नहीं हुआ था, मतलब 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है कि इसी अमाउंट का कोई लोन सिबिल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फिर आपका टैली हो जाएगा कि अच्छा सिबिल में दिख रहा था ये वही लोन की क्रेडिट एंट्री है। तो इस हिसाब से आप अपनी एंट्री को टैली कीजिए और उसका इमेज बनाइए अपने हिसाब से। पर अगेन, फिर मैं इसमें एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं, क्या है वो पॉइंट, बिजनेस मॉडल, अगेन बिजनेस मॉडल। अब मान लीजिए आपका 4-व्हीलर की एजेंसी है या 2-व्हीलर की एजेंसी है, कार फाइनेंस कंपनी करने, कार फाइनेंस, कोई कार बेचते हैं आप लोग, 4-व्हीलर मारुति की कार्स बेचते हैं, तो लोग बहुत सारे कार्स को फाइनेंस करवाते हैं, ठीक है ना। तो जो अब आपका जो बोरोवर है वो डीलर है, कार वाला डीलर है वो, ठीक है, उसके पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो कार फाइनेंस करके जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई अगर वो फाइनेंस करते हैं ना, तो वहां पे जिनसे उन्होंने फाइनेंस करवाया है वो फाइनेंसिंग कंपनी आपके डीलर को पे करती है पैसे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोन, अलग अलग लोन देने वाली एजेंसियों के नाम दिखेंगे, HDFC बैंक लिमिटेड, ठीक है, एक्सिस बैंक लिमिटेड, अलग अलग, जहां से भी उस बंदे ने लोन लिया अपनी कार का, तो वो लोन जो फाइनेंसर्स होते हैं वो डीलर के खाते में डायरेक्टली लोन के पैसे डालते हैं, और लोन की रीपेमेंट कौन करता है, वो कस्टमर जिसने लोन लिया था। आपके पास तो पेमेंट कस्टमर तो करता नहीं है, क्योंकि कस्टमर के पास तो पेमेंट देने के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो डाउन पेमेंट करेगा, ठीक है, बाकी पैसा आपको कंपनी देगी, फाइनेंसिंग कंपनी। तो उस सिनेरियो में आप खुद लॉजिकली सोच के बताइए, अगर ये सर्कमस्टांस है तो उस सिनेरियो में आपके पास जो पेमेंट आई है क्या वो आपकी चर्निंग का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना आप मेरी बात को, तो वो आपकी चर्निंग का पार्ट है, आपकी क्रेडिट सबमिशन का पार्ट है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, दूसरा लोन का सिनेरियो, जैसे फैसिलिटी होती है सेल्स बिल डिस्काउंटिंग,
सेल्स बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी होती है, या एक और फैसिलिटी जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत लेक्चर्स पहले एक्सप्लेन की है, लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग। लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग सेल बिल डिस्काउंटिंग के बारे में एक अलग लेक्चर सेपरेटली आएगा, इसकी चिंता मत कीजिए आप। तो इनका फंडा मोटा मोटा क्या रहता है कि ये आप हो, मतलब आप मीन्स ये बैंक है, ये आपका क्लाइंट है, बोरोवर जिसने लोन, जिसको आपने लोन देना है, ये बोरोवर है, ये बोरोवर का कस्टमर है, जिसने बोरोवर ने जिसको माल बेचा, और ये इस कस्टमर का बैंक है, इस कस्टमर का बैंक है, आप इस बोरोवर के बैंक हो। अब बोरोवर ने इसको माल बेचा, इसको सेल्स किया, ठीक है। अब इसको जब इसने सेल्स किया तो सेल बिल डिस्काउंटिंग में क्या रहता है कि बोरोवर ने मान लीजिए किसी इस बैंक से सेल बिल कोई फैसिलिटी ली हुई है सेल्स बिल डिस्काउंटिंग की, सेल बिल डिस्काउंटिंग की क्या रहता है कि इस ये बैंक जो ये सेल्स हुई है इस बैंक को ना इस कस्टमर के ऊपर कंफर्ट रहता है, ये जरूरी कोई कॉर्पोरेट कस्टमर होगा सेल बिल डिस्काउंटिंग के केस में, बड़ा कॉर्पोरेट होगा मान लीजिए रिलायंस, ये यूजली कॉर्पोरेट के केस में होता है, मान लीजिए रिलायंस है तो इस बैंक को रिलायंस के ऊपर बहुत ज्यादा कंफर्ट है कि रिलायंस तो पेमेंट अपनी टाइमली करता ही करता है, तो इसने सेल दिया, सेल किया इसको और सेल्स का बिल इसको सबमिट किया, तो बैंक ने कुछ कमीशन काट के इसको पैसे दे दिए। अब ड्यू डेट पे क्या होगा कि जो ये रिलायंस कंपनी है इस बैंक को पेमेंट कर देगी इस कस्टमर को देने की जगह, ठीक है, वो बैंक को पेमेंट कर देगी, बैंक ने इसको पेमेंट कर चुका है ऑलरेडी, तो पैसा नॉक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये पेमेंट इसके खाते में आई होगी, जो ये पेमेंट है बोरोवर के खाते में आई होगी सेल बिल डिस्काउंटिंग की, तो ये कुछ ऐसे लिखा होगा डिस्काउंटिंग प्रोसीड्स या सेल्स बिल डिस्काउंटिंग या अकेला बिल डिस्काउंटिंग, ऐसे लिखा होगा। तो क्या ये क्रेडिट सबमिशन है, क्या ये कस्टमर से पेमेंट है, चाहे आई बैंक से है, ठीक है, बिल्कुल है कस्टमर पेमेंट है, क्योंकि क्योंकि इस कस्टमर से इस बोरोवर को तो कोई पेमेंट आगे तो आनी नहीं है, इसने तो इस पेमेंट को यहां से डिस्काउंट करके ऑलरेडी ले लिया है, तो इसने तो सीधा इसको पेमेंट कर देनी है, तो बाकी फ्यूचर में तो कभी पेमेंट आनी नहीं है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है डिस्काउंटिंग की, तो ये इसकी क्रेडिट सबमिशन का पार्ट माना जाएगा। क्लियर आपको ये पॉइंट? सिमिलरली लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग के केस में, लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग में भी अगर आपके बोरोवर ने एलसी को डिस्काउंट करवाया है, तो डिस्काउंट करवा के जो क्रेडिट्स आपके पास आए हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर, तो वो जो क्रेडिट्स हैं आपके, वो आपकी क्रेडिट सबमिशन का पार्ट ही है, क्योंकि ड्यू डेट पे आपका जो बोरोवर का जो कस्टमर है वो पेमेंट सीधा बैंक को करेगा, आपके बोरोवर को नहीं करेगा, तो फिर वो तो क्रेडिट कभी फ्यूचर में तो आना ही नहीं है, तो फिर उसको अभी काउंट करना पड़ेगा ना आपको, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है लोन डिसबर्समेंट्स का। अदरवाइज देन दैट अगर कोई लोन डिसबर्समेंट्स है तो आपको अवॉइड करनी है। एक और प्रैक्टिकल सिनेरियो जो अभी मैंने देखा था एक केस में, उसमें क्या था, कस्टमर का ना यहाँ पे कस्टमर का बिजनेस मॉडल कोई भी डिस्काउंटिंग वाला बिजनेस मॉडल नहीं था। उसके बिजनेस में क्या आ रहा था, प्रैक्टिकल सिनेरियो देखिए, अभी हफ्ते भर पहले की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके क्या आ रहा था कि बाय क्रेडिट्स बजाज फाइनेंस से उसको पेमेंट आ रही थी मोटी मोटी, 30-35 लाख की पेमेंट आ रही थी, मोटी मोटी पेमेंट्स आ रही थी। मैं देख के हैरान की यार ये पेमेंट्स इसको कहाँ से आ रही है बजाज फाइनेंस, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा कि इसने बजाज फाइनेंस से सिबिल में कोई लोन लिया हुआ है, क्लाइंट भी कह रहा है कि मैंने तो कोई बजाज फाइनेंस से लोन लिया नहीं हुआ, तो ये पेमेंट उसको आ कहाँ से रही है, और लिखा बजाज फाइनेंस है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्लाइंट मेरे को झूठ बोल रहा है, इसको कहीं ना कहीं इसने कोई लोन लिया हुआ है बजाज फाइनेंस से, कोई ना कोई डिस्काउंटिंग फैसिलिटी है, कुछ ना कुछ लिया हुआ है, तो मेरे को, मैं क्लाइंट से मिलने गया, तो मैंने क्लाइंट से पूछा कि सर आपके खाते में बजाज फाइनेंस के नाम से बहुत ज्यादा लार्ज पेमेंट्स आ रही हैं, ये पेमेंट्स आपको किससे हैं? तो क्लाइंट कहता मेरे को भी आइडिया नहीं है, उसने अपने अकाउंटेंट को या सीएफओ को बुलाया मेरे सामने, तो सीएफओ ने बोला कि सर हम ए लिमिटेड को माल बेचते हैं, ए लिमिटेड को सप्लाई करते हैं, ये मेरा बोरोवर था,
वो कह रहा कि हम ए लिमिटेड को माल बेचते हैं, ए लिमिटेड ने बजाज फाइनेंस से लोन लिया हुआ है, बजाज फाइनेंस से कोई लोन फैसिलिटी ली हुई है, तो ये ए लिमिटेड वाले हमारा जो सेल का बिल है, हमारे लिए सेल है इसके लिए तो परचेज है, ये परचेज का बिल बजाज फाइनेंस को देते हैं और ये बजाज फाइनेंस हमारे खाते में पेमेंट क्रेडिट करता है। तो इस वजह से जो पेमेंट की नरेशन जो आ रही है वो बजाज फाइनेंस के नाम से आ रही है। ये हमने कोई लोन नहीं लिया हुआ, ये लोन ए लिमिटेड ने लिया है, मैंने कोई लोन नहीं लिया। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप कृपया करके मेरे को ए लिमिटेड का लेजर अकाउंट का कॉपी दे दीजिए, लेजर अकाउंट कॉपी दे दीजिए ए लिमिटेड का पिछले 12 महीने का, मैंने 12 महीने की स्टेटमेंट दर्ज कर रहा था उस समय। तो 12 महीने का स्टेटमेंट लिया तो मैंने वहां पे चेक कर लिया कि वाकई वहां पे जो ए लिमिटेड का खाता था वहां पे जो नॉक ऑफ हो रही थी एंट्री, वो बजाज फाइनेंस की क्रेडिट एंट्रीज नॉक ऑफ हो रही थी उस समय, तो मेरा वो टैली हो गया। मैंने वो रैंडमली एक एक दो दो एंट्रीज को बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली भी कर लिया कि अच्छा वाकई कोई ऐसे तो नहीं है कि लेजर अकाउंट मेरे को बोगस दे दिया हो, बाकी जो क्रेडिट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये अभी दो तीन दिन हफ्ते भर पहले की बात है। तीसरा चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई भी लार्ज क्रेडिट नॉट इन लाइन विद द बिजनेस। इसमें दो सर्कमस्टांस मैं आपको समझाना चाहूंगा। लार्ज क्रेडिट्स मींस बहुत मोटा रुपया जमा हुआ है, बहुत बड़ी रकम जो है जमा हुई है आपके खाते में, जो यूजली आपको नहीं आती, यूजली आपको इस तरह की बड़ी रकमें नहीं आती आपकी बैंक स्टेटमेंट में। यूजली जो मैं अगर एवरेज निकालूं, फॉर एग्जांपल, डिपेंडेंट अप अगेन, ये दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द बिजनेस मॉडल, आपके बिजनेस मॉडल के में आप, मैं जो 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट देख रहा हूं उसमें 1 लाख से 5 लाख तक की एवरेज हर कस्टमर पेमेंट कर रहा है, ठीक है, बट सडनली आपको ये 20 लाख की पेमेंट आई हुई है, 20 लाख की पेमेंट आई हुई है, ये आपको 40 लाख की पेमेंट आई हुई है, ऐसी करके आपकी 7-8 एंट्रीज हैं जो बहुत ही लार्ज अमाउंट की हैं एंट्रीज, ठीक है। तो जब आप क्रेडिट प्रपोजल एड्रेस करोगे तो जब आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये क्रेडिट एंट्रीज कहाँ से आई हैं कहाँ से नहीं, तो क्या उनको क्रेडिट सबमिशंस का पार्ट मानोगे, ये मानोगे क्योंकि उसके कस्टमर ने दी है उसको ये पेमेंट्स? बिल्कुल भी नहीं मानना। इसको आप ये मान के चलिए कि ये कस्टमर से नहीं आई है पेमेंट, ये कोई ना कोई उसने कोई या तो किसी बंदे किसी बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया है, या कोई रिश्तेदार से पैसे पकड़े हैं, या कोई प्रॉपर्टी बेची है, माइट भी उससे पैसे आए हैं। इसका जानने का एक ही तरीका है कि आप क्लाइंट के पास जाइए, क्लाइंट के पास जाके इस चीज को डिटेल में समझिए, डिटेल में अंडरस्टैंड कीजिए कि ये पेमेंट कहाँ से आई है। अगर वो बोलता है कि वाकई में मेरे कस्टमर्स से पेमेंट आई है, तो उन कस्टमर्स का कॉपी ऑफ लेजर अकाउंट मांगिए और चेक कीजिए कि उसको सेल्स का बिल कोई चढ़ाया हुआ है, सेल्स का बिल चढ़ाया हुआ था ये 20 लाख के अगेंस्ट, और ये 20 लाख की पेमेंट एंट्री लेजर अकाउंट में चढ़ाई हुई है, क्रेडिट की हुई है उसने, बाकी 40 लाख की पेमेंट एंट्री क्रेडिट की हुई है। अगर आप चाहें तो उनसे, जैसे इतनी बड़ी अमाउंट अगर आ गई है जो यूजली लाख से 5 लाख की आती थी, तो उनसे सैंपल बिल की कॉपी भी मांग लीजिए, सैंपल इनवॉइस कॉपी भी मांग सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज को टैली कीजिए लार्ज क्रेडिट्स को, ठीक है। दूसरा, इसमें मैं आपको एक और चीज ऐड करना भूल गया लोन डिसबर्समेंट्स में, एक आपको मैंने WCDL फैसिलिटी भी बताई थी, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन। वो अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज वो कैश क्रेडिट वाला जो मेरा लेक्चर था, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, उसके अगला वाला लेक्चर था WCDL, या पिछले वाला था वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, वो लेक्चर जरूर देखिए और समझिए कि WCDL कैसे काम करता है। तो WCDL जो डिसबर्स होता है वो हमेशा लिमिट अकाउंट में डिसबर्स होता है, तो वो अगर डिसबर्स हो रहा है तो वो आपका क्रेडिट सबमिशंस नहीं है, वो आपका कस्टमर से पेमेंट नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो लार्ज क्रेडिट्स के केस में आप इस चीज को पूरा कॉशियसली होकर चलिए कि आप एड्रेस पकड़ के चलिए कि ये लार्ज जो अमाउंट्स आ रही हैं इनको आपको क्रेडिट सबमिशंस के अंदर काउंटर नहीं करना, अनलेस एंड अंटिल आप क्लाइंट से डिस्कशन करने के बाद पूरा सीरियसली इसके ऊपर सेटिस्फाइड है कि भाई ये इसकी कस्टमर से ही पेमेंट आ रही है, करेक्ट। चेक बाउंसिंग एंट्रीज, जस्ट लाइक रिवर्सल एंट्रीज, जो आपके इनवर्ड या आउटवर्ड चेक बाउंस होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, वो पहले डेबिट एंट्री पड़ती है फिर क्रेडिट पड़ती है। आउटवर्ड के केस में पहले क्रेडिट पड़ती है फिर डेबिट पड़ती है। बहुत सारे लोग इसको डबलिंग काउंट कर जाते हैं, इसको काउंट कर जाते हैं क्रेडिट सबमिशंस में,
तो ये आपकी कस्टमर पेमेंट नहीं है, तो इसको प्लीज इस चीज से बच के रहिए। एफडीआर स्वीप इन स्वीप आउट, भाई ये तो मैंने दो तीन लोगों को गलती करते देखा है इस चीज में। मेरे को वो बता रहे हैं कि भाई पेमेंट बहुत आ रही है बैंक स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट तो बिल्कुल ओके है, और जब बैंक स्टेटमेंट को हमने खोला तो पता लगा कि उसने अपने बैंक में एक स्वीप इन फैसिलिटी एफडीआर की लगाई हुई है। एफडी की स्वीप इन फैसिलिटी क्या होती है कि बैंक क्या करता है कि ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक एक मिनिमम बैलेंस फिक्स कर देता है कि 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर जो भी बैलेंस होगा वो उसका एफडी बन जाएगा, ठीक है। और जब आपको पेमेंट करना होगा तो ऑटोमेटिकली एफडी एफडी तोड़ के आपके खाते में भी डाल देगा, तो ऑटो ऑपरेट होता रहता है ये अकाउंट। तो एफडी की स्वीप इन ऐसे करके, स्वीप इन डेबिट क्रेडिट, मतलब ऐसे करके पेमेंट डेबिट क्रेडिट होती रहती हैं, पैसे एफडी बन जाते हैं, एफडी टूट जाती है, बन जाती है, टूट जाती है, बन जाती है, टूट जाती है, चलता रहता है। तो ये आपकी कस्टमर पेमेंट नहीं है, इन पेमेंट से आप बच के रहिए, इनको क्रेडिट सबमिशंस में गलती से भी मत ले जाना। ट्रांसफर फ्रॉम अदर अकाउंट्स, ये तो आपको बहुत देखने को मिलेगा कि आपको अकाउंट नंबर डाला होगा, एक अकाउंट नंबर डाला होगा और लिखा होगा कि क्रेडिट फ्रॉम दिस अकाउंट नंबर। आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये अकाउंट नंबर किसका है, किसका नहीं, क्लाइंट का है, उसके कस्टमर का है, किसका है। अगर तो ये ऐसी ट्रांजेक्शन, अच्छी खासी ट्रांजेक्शन इस तरह की आ रही है अकाउंट नंबर वाली, तो पहली बात तो फर्स्ट सिनेरियो में आपको क्या करना है, इनको कभी भी क्रेडिट सबमिशन में काउंटर नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये अकाउंट नंबर किसका है। हो सकता है कि अपन आपके ही कस्टमर का अदर करंट अकाउंट हो और वो क्या कर रहा हो, आपका आपका ही कस्टमर है, मान लीजिए ये बोरोवर है, उसके मान लीजिए एक्सिस में भी अकाउंट है और उसका एचडीएफसी में भी अकाउंट है, आपको नहीं पता कि उसका एचडीएफसी में भी अकाउंट है, उसने आपको एक्सिस बैंक का स्टेटमेंट दिया है। तो हो सकता है कि वो एक्सिस बैंक से एचडीएफसी में पैसे डेबिट मार के भेज देता हो, यहाँ पे फिर क्रेडिट, इसने यहाँ से एक्सिस से एचडीएफसी ट्रांसफर की है तो यहाँ पे क्रेडिट आ गया डिपॉजिट, तो यहाँ से फिर डेबिट मारे कुछ दिनों बाद या महीनों बाद, यहाँ पे क्रेडिट आ गया। तो ऐसे ही ये तो 10 लाख को ही घुमाता रहेगा, और अगर आप विजिलेंट ना हुए, कोशिश ना हुए, तो आप 10-10 लाख रुपए पता नहीं कितनी बार काउंट कर जाओगे उसकी चर्निंग में, और यहाँ पे एक्चुअल कोई सेल है नहीं, सिर्फ अकाउंट ही एंट्रीज ही घूम रही है। तो इन चीजों से बचिए, जो ये अकाउंट क्रेडिट अकाउंट ट्रांसफर्स आ रहे हो जिसमें खाली अकाउंट नंबर लिखा रहता हो, उन ट्रांजेक्शन्स को क्रेडिट सबमिशंस में मत लीजिए। अब इसका तरीका क्या है, वही तरीका, कस्टमर से मिलिए, कस्टमर से बात कीजिए कि सर ये अकाउंट नंबर्स अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि ये अकाउंट नंबर से एंट्रीज आ रही है, हमें नहीं समझ आ रहा कि ये कहां से आ रही है कहां से नहीं। मैं अगेन वही रिपीट कर रहा हूं कि सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन की तरफ ही ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि कोई उसका करोड़ों रुपए का बिजनेस है, लाख लाख रुपए की 2-4 एंट्रीज हैं, आप पकड़ के उसको पूछने चले गए, ठीक है भाई। कोई सिग्निफिकेंट नेचर है जिससे आपकी चर्निंग बहुत इंपैक्ट पड़ रही है तभी पूछिए, ठीक है। छोटी छोटी बारीक चीजों पे मत जाइए, अब वो जमाना नहीं रहा, अब टाइम चेंज हो रहा है। तो कस्टमर आपको क्या बताएगा, कस्टमर आपको बोलेगा कि सर ये खाता तो मेरी इस पार्टी का है, तो आप बोलिए कि सर उस पार्टी का आप फिर लेजर अकाउंट दे दीजिए हमें, लेजर अकाउंट लीजिए, उसमें से रैंडमली देखिए कि सेल्स के बिल चढ़े हुए हैं और जो ये पेमेंट्स क्रेडिट हो रही हैं उसके लेजर में भी क्रेडिट एंट्रियां चढ़ाई हुई हैं, ठीक है, तो आपका टैली हो गया। दूसरा वो आपको बोल सकता है कि सर ये तो मेरा ही करंट अकाउंट है, तो फिर आप बोलिए कि सर जो ये आपकी एंट्री है वो उसको मैं आप ये नहीं मान सकता कि आपकी पेमेंट कस्टमर से आई है, आपको इस अकाउंट का स्टेटमेंट मुझे देना पड़ेगा। तो फिर आप उस अकाउंट का स्टेटमेंट लीजिए, उस अकाउंट का स्टेटमेंट लीजिए यानी कि एचडीएफसी अकाउंट का, और उसमें चेक कीजिए कि जो ये 10 लाख रुपए इसने इस एक्सिस में भेजे थे तो ये 10 लाख रुपए इसको आए कहां से थे, कस्टमर से आए थे या कोई इधर उधर की एंट्री थी। अगर तो कस्टमर से आए थे देन तो फाइन, ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर आपकी क्रेडिट सबमिशन का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टर कंसर्न्स, अब एक बंदे की काफी सारी फर्में हो सकती हैं, बेटे की, वाइफ की, बहू की, अलग अलग फर्में हो सकती हैं, या खुद की एचयूएफ बना ली, कुछ बना लिया। तो अगर खुद की फर्मों से ही पैसा आ रहा है, जो उनके फैमिली के नाम पे फर्में, आपको नाम पढ़ के पता चल जाएगा कि तो इन्हीं की खानदान से ही फर्में लग रही हैं, या आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से या किसी भी और एनालिसिस से आपको पता चल गया, आईटीआर से पता चल गया कि इन्हीं की अलग अलग फर्म्स भी हैं, तो उन फर्मों के नाम से एंट्रीज आ रही हैं, तो उनको आप क्रेडिट सबमिशन में मत लीजिए, अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट मीटिंग पे आपको ये समझाए कि भाई जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं ये तो मैं इनको सेल्स करता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि जो आपकी सिस्टर कंसर्न होती है ना, वो आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल मैंने धागे से कपड़ा बनाया और मैंने अपनी ग्रुप फर्म को बेच दिया जो क्या करती है, उस कपड़े से गारमेंट्स बनाती है, ठीक है, तो वो गारमेंट्स बना के आगे बेचती है लास्ट कस्टमर्स को।
तो कई बार क्या होता है कि मैं कपड़ा डायरेक्ट भी मार्केट में बेचता हूँ और कुछ कपड़ा मैं अपनी सिस्टर कंसर्न को बेचता हूँ ताकि वो गारमेंट बना के आगे बेच सके। तो उस सिनेरियो में सेल्स हो भी सकती है, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन किस नेचर की है और उसकी जेन्युइनिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये ना हो कि उसने अपनी सारी ट्रांजेक्शन ही सिस्टर कंसर्न के थ्रू घुमा रखी है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रखा है तो फिर आप अवॉइड कीजिए उस प्रपोजल को। ठीक है, पर अगर ऐसा कुछ जेन्युइन चीज आपको नजर आ रही है तो फिर आप सिस्टर कंसर्न का यूनिट विजिट करके भी देख सकते हैं कि वाकई कोई गारमेंट्स बनाने का यूनिट लगा भी हुआ है कि नहीं लगा हुआ, या हवा में ही बातें कर रहे हैं क्लाइंट। ठीक है, तो इस तरह से कोशिश होकर आप चल सकते हैं, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आप चर्निंग में लीजिए, क्योंकि आप जब ये 5 करोड़ की सेल्स भी काउंट कर रहे हैं तो उसमें जो सिस्टर कंसर्न को सेल हुई होगी वो भी तो काउंट कर रहे हैं ना, तो फिर चर्निंग भी जो सिस्टर कंसर्न से पेमेंट आ रही है वो भी आपको लेनी पड़ेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप। ठीक है, फर्दर कुछ और पॉइंट्स एडिशन में क्या है कि चर्निंग जो है आपकी उन्हीं पार्टी से होनी चाहिए जिनको आपको सेल्स की है। अब इसका मेरे कहने का मतलब क्या है कि अभी मान लीजिए आपके पास सब कस्ट, आप जब भी बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको पास 31 दिन 21 की ऑडिटेड बैलेंस शीट आ रही होगी। ठीक है, 31 दिन 22 की तो अभी बन रही है लोगों की। वहां पे आपके पास एक डेटर लिस्ट होगी, वहां पे आपके पास एक डेटर लिस्ट होगी जिसमें अलग अलग नाम पड़े होंगे कि इन इन पार्टी से इतने इतने रुपए लेने वाले हैं। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे तो उसमें से टॉप 4-5 डेटर्स को पकड़ लीजिए जिनकी बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं, जो टोटल डेटर्स का 30 से 40% मिनिमम साइड पे हो, उनको पकड़ लीजिए। और बैंक स्टेटमेंट में आप अपने कॉशियसली दिमाग में रखिए कि उन पार्टी से पेमेंट क्या आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने ऐसे प्रैक्टिकली मैंने खुद ने ऐसे सर्कमस्टांसिस पकड़े हुए हैं कि डेटर लिस्ट में काफी सारे नाम थे पार्टीज के बड़े, मैंने बड़े मेन मेन बड़े बड़े नाम लिख के रख लिए अपनी नोटबुक पे डेटर्स के, और मैं साथ में बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करने लग गया और मैंने देखा कि पूरे साल में उन पार्टी से 1 रुपया तक नहीं आया। मैं हैरान, मैंने कहा यार इतनी बड़ी अमाउंट का डेटर खड़ा है, 1 करोड़ रुपए का पार्टी का, 31 दिन 21 को लेने वाला था, तो दैट मीन्स उस पार्टी से वो डील कर रहा है अच्छा खासा, और उस पार्टी से बैंक स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप बोलेंगे कि सर 31 दिन 21 है, मेरे पास तो स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की आई है, मान लीजिए जनवरी 22 से जून 22 तक की आई है, तब मैं क्या करूं? अरे भाई तब भी आप देखिए कि अगर आपकी जो मोटी पार्टी है, मान लीजिए यहाँ पे जो मेन डेटर दिख रहा है आपको 4-5, आप देखिए कि उन कस्टमर से अगर आप 6 महीने के भी देख रहे हैं जनवरी 22 से, तो आप देखिए कि यार उन पार्टी से कोई डील ही नहीं है, आप उस तरीके से सोच लीजिए। ठीक है, अगर आप 1/4/21 से या 1 जून 21 से 1 साल की स्टेटमेंट एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर आप सोचिए कि यार क्या इन डेटर से कोई पेमेंट ही नहीं आई अभी तक। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकली सर्कमस्टांसिस पकड़े हुए कि वाकई पेमेंट नहीं आई थी, और जब मैं क्लाइंट से मिलने गया उसका लेजर अकाउंट निकलवाया उस डेटर का, तो दिखा कि भाई उस डेटर से पेमेंट ही फंसी हुई है, उसकी पेमेंट ही अटकी हुई है। तो ये विजिलेंट होके चलिए कि वो पार्टी से पेमेंट वाकई रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा विजिलेंस ये आपको माइंड में क्या रखना है, जो पेमेंट्स आपको आ रही हैं जिनको आप क्रेडिट सबमिशन में काउंट कर रहे हैं, जिनको आप क्रेडिट्स मान रहे हैं, पार्टीज वो उसके बिजनेस बिजनेस के अकॉर्डिंग है। अब इसकी एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है उसका नाम है AB यार्न एजेंसी। आप क्या करते हैं कि आपका जो बोरोवर है उसका काम है यार्न यानी कि धागे की ट्रेडिंग करना, करेक्ट? उसको जो क्रेडिट्स आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट में, उसको जो क्रेडिट्स आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट में वो आ रहे हैं ए मेटल कंपनी, बी कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, इस तरह के नाम पढ़िए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई इनका धागे वाले बंदे से क्या लेना देना, तो क्या बोगस तो नहीं है कुछ ये चीज। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट मैं आपको, अभी ये मत समझिएगा कि क्रेडिट सबमिशन का टॉपिक खत्म हो गया और मैंने आपको सारा कवर करा दिया, मैंने आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दिखा दी है क्रेडिट सबमिशन की, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी मैं बैंक स्टेटमेंट्स के, मैंने आपको पहले ही बताया पिछले लेक्चर में, मैं काफी लेक्चर्स बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये कोर ब्लड है किसी भी क्रेडिट अंडरराइटिंग का, और इसको अगर मैं विजिलेंटली या मैंने अच्छे से नहीं समझाया तो फिर क्रेडिट अंडरराइटिंग का सारा बेस ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आप किसी प्रपोजल को अच्छे से एजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, और इसमें मैं जितने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने हो सके उतने पूरे अंदर डालूंगा इसके अंदर। तो लास्ट में क्रेडिट सबमिशन कितने होने चाहिए, देखिए हर एक बैंक मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका 80% ऑफ सेल्स आपका बैंक में दिखना चाहिए।
अगर आपने यहाँ पे 5 करोड़ का सेल किया था तो मिनिमम 4 करोड़ का सेल्स जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर दिखना चाहिए, करेक्ट? तो 80% का लगा के चलते हैं। और सेकेंडली आपको सीजनल बिजनेस में खास करके ध्यान रखना है। सीजनल बिजनेस का पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। जो कपड़ों विंटर के कपड़ों का काम होता है, अगर मान लीजिए आपका कोई विंटर गारमेंट्स में काम कर रहा है आपका कोई क्लाइंट, तो उनका क्या रहता है, उनका मई जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक तो धराधर मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग चलती है विंटर गारमेंट की। अक्टूबर सितंबर एंड से लेके या अक्टूबर से लेके दिसंबर दिसंबर 21 तक धराधर सेल्स होती है, ठीक है? विंटर गारमेंट्स के बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसके बाद जनवरी से लेके फरवरी तक लीन पीरियड होता है, बहुत मतलब कुछ भी नहीं, मार्केट ठप्प सी होती है मैन्युफैक्चरर्स की, ठीक है? तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है उनका क्या रहता है कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उनकी जो सप्लाई है ना मैन्युफैक्चरर्स की, वो अक्टूबर तक निकल जाती है सारी, ठीक है? तो वो उनको दिसंबर जनवरी फरवरी तक अपनी सप्लाई की पेमेंट्स आती हैं। उसके बाद मार्च से लेके आप लगा लीजिए अगस्त सितंबर तक उनको बैंक में बहुत ही कम पेमेंट्स आती हैं, क्योंकि उनका ऑफ सीजन होता है। तो अगर आप किसी क्लाइंट को, विंटर वाले क्लाइंट को जज कर रहे हैं और उसकी बाय चांस आप मार्च से लेके सितंबर तक की बैंक स्टेटमेंट ही खोल के बैठे हुए हैं, तो आपको चर्निंग नजर ही नहीं आएगी, चर्निंग नजर ही नहीं आएगी, और आप हो जाओगे नेगेटिव कि सर ये तो बिजनेस बंदे का ये तो चर्निंग ही नहीं आ रही, ये तो अंकुश सर ने वीडियो में बताया था कि ये तो या तो सेल बोगस कर रहा है या इसके पेमेंट फंसी हुई है, कुछ ना कुछ चक्कर है, इशू है, ये है वो है। भाई बिजनेस मॉडल को समझिए, कहीं सीजनल बिजनेस तो नहीं है? सीजनल बिजनेस में जो चर्निंग इनकी होती है वो यूजली अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक की आती है चर्निंग, उस समय इनके खाता पैसों से भर जाता है, ऐसा लगा लीजिए। मार्च से अगस्त सितंबर तक इनका लीन पीरियड होता है चर्निंग वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज और सेल वाइज तो पीक पीरियड होता है, बट चर्निंग वाइज लीन पीरियड होता है, ठीक है? तो इस चीज का जरूर ध्यान में रखिएगा। तो और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा बैंकिंग के ऊपर ही, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।